भाई टाइम बज रहे हैं 12:03 और अब हम जा रहे हैं बागोरी साइड में। तो हेलमेट तो पहनना पड़ेगा, नो मोर ऑप्शन। गाड़ी तो है नहीं अपने पास, कोई नहीं, चलो चलें बागोरी राइनो देखते हैं थोड़े और पता करते हैं काजीरंगा में सफारी का प्राइस और सारी डिटेल कि वर्थ इट है या नहीं है, फिर आपको बताते हैं। आओ कोई बात नहीं, चलो बैठो। आ रही है थोड़ी सी ऊंची हो जाती है हिमालयन, सामान जब नहीं होता ना तो हिमालयन थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। चलो आज आपको गैंडे दिखाएं। तो लिखा हुआ एनिमल कॉरिडोर स्लो डाउन। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एनिमल कॉरिडोर ड्राइव स्लो। तो गाइस स्पीड लिखा हुआ 40 से ऊपर नहीं चला सकते यहाँ पे। तो गाइस अब पहाड़ी आ गई अब, और अब लग रहा है पूरा जंगल जैसा फीलिंग आ रही है, पूरी घने जंगल। अब लग रहा है ना कुछ जंगल जैसा ना प्रॉपर। वो तो मैं बना ही रहा हूँ। तेजपुर से दीमापुर गिर गया साइड में। ये यहाँ गिर गया होगा, यहाँ से निकाला है। इधर ही गिरा होगा ना रात के समय। तो गाइस वो ट्रक ना यहाँ से निकाला है इन्होंने। हमारी तो पहले भी निकल जाती है आराम से। एलिफेंट व्यू पॉइंट काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ से एनिमल दिखते हैं। मारो नजर मार के कुछ दिखता है क्या? गर्मियों में टाइगर दिखते हैं, गर्मी में ही मतलब बाहर, और टाइम भी मतलब 1-2 बजे के आसपास।
वो होटल वाला भी तो बता रहा था कि 2 बजे के पास आपको दिख सकता है। तो अगर आप सफारी करें तो 2 बजे के आसपास ही करें, 2-2.5 बजे के आसपास। जंगल जैसी फीलिंग आ गई भाई यहाँ तो पूरी। अब लग रहा था, मतलब पहले जो मैं देख रहा था मुझे लग रहा था ये जंगल तो लग नहीं रहा। अंदर जैसे वो पहाड़ नहीं, घूमने आया बस। कितना पैसे लेते हो? नहीं वैसे जाना नहीं है, पूछ रहा हूँ कितने पैसे लेते हो। अभी सब कुछ हो गया है, 2630 रुपीज़। 2630। अच्छा दूसरा आदमी नहीं जाएगा, आपका खाली आदमी नहीं जाएगा। हाँ वो तो मैं समझ गया, हम तो कर चुके हैं पहले, हम तो वैसे देखने आए थे। तो गाइस काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व पहुंच गए हम। ये वेस्टर्न रेंज है बागोरी की, ये मिडल में आती है बीच में। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से हम, ये हम वेस्टर्न रेंज में हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में, वेस्टर्न रेंज बागोरी में। तो गाइस सफारी इसलिए हमने की नहीं क्योंकि कोई था नहीं, और फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको राइनो, डियर और क्या बोला था, बस यही दिखेंगे। क्योंकि मेनली जो काजीरंगा जो है वो डियर उसके लिए ही है, राइनो के लिए है, गैंडे के लिए। तो मेनली यार राइनो ही देखने आते हैं। राइनो तो गाइस अभी हमने रोड पे भी देख लिए, मतलब वहाँ से थोड़ा सा दूर दिख रहे थे। गाइस हम लोग ऑन द वे में जा रहे थे बाइक से और हमें दिखा है राइनो, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई थिंक वो घास वास खा रहा है। और मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ गाइस, अभी थोड़ा ट्रैफिक आ रहा है। चलो राइनो देखते हैं। गाइस आपको मैं दिखाती हूँ। हम लोग जा रहे हैं बस अपने होटल में, रिजॉर्ट में जाएंगे, थोड़ा स्विमिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टू हॉट, लिटरली मतलब बहुत गर्मी है। मुझे पता नहीं था इतनी गर्मी होगी। और बाकी बातें होटल में चल के करते हैं गाइस। अब से गाइस उधर रहने दिखा भी और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ वो रहा सामने, GoPro में तो नहीं दिखेगा। ये फ्लावर तोड़ रही है। तोड़ लिए? चलो बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे उधर भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है। बहुत ये मैंने जाती भी गाइस बच्चों के हाथ में देखे थे, बहुत सारे इतने सारे थे मेरे पास। चलो आओ चले फिर। तो गाइस यहाँ से होटल रह गया हमारा, 2 से 3 किलोमीटर रह गया, 5 मिनट लगेंगे, मिलते हैं आपसे होटल में। तो हे गाइस हम लोग आ गए हैं अपने होटल रूम में और
मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि हमने सफारी इसलिए नहीं करी क्योंकि रीज़न ये था कि हमें ऑन द वे में ही ना राइनोज दिख गए थे, और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है राइनोज के लिए, और कुछ आपको जंगली बफेलोज दिख जाएंगे, डियर दिख जाएंगे, बस और कुछ नहीं दिखेगा। टाइगर के चांस बहुत 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 रेयर हैं कि वो शायद ही आपको दिखे, कुछ कह नहीं सकते, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। सो अभी बस हम लोग अपना आराम से रेस्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि थक गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस बाहर ना, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे तो, और सफारी में तो भूत ही बन जाता अगर हम बैठते तो। और अगर आपको सफारी करनी है, राइनोस देखने हैं, तो इसका जो प्राइस है गाइस वो है 2630, और ले सकते हैं इफ़ आप दूर से आ रहे हैं और आपको करने का शौक है तो आप डेफिनेटली करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ऑन द वे में बाइक से जब हम जा रहे थे तो हमें राइनोस दिख गए थे और जंगली बफेलोज भी दिख गए थे। सो यही था गाइस, अब यहाँ पे बस हम अपने रिजॉर्ट में थोड़ा चिल आउट करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से राइड कंटिन्यूस चल रही है। सिर्फ आई थिंक दिरांग में रुके थे ना हम लोग, सिर्फ गाइस हम लोग दिरांग में रुके थे, वो भी मेरा बर्थडे नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अभी आराम से अपना रेस्ट करेंगे, चिल आउट करेंगे। सो और हमारा प्लान ये है कि गाइस मैं डेफिनेटली, आपको पता है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी सफारी के लिए, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, तो रिसर्च में ये है कि जब भी हम महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे पेंच नेशनल पार्क में बहुत ही अच्छी सफारी होती है, हम लोग वो करेंगे, और वहाँ पे टाइगर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आपको दिखने के, और वहाँ की जो सफारी है उसका एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंट होगा क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं अंदर, खाने पीने का भी बना हुआ है, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ आप जाते हो अंदर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि पेंच में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखते हैं, जब भी पेंच जाएंगे उसकी सीरीज़ भी बनेगी, वो हम इसी साल जाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र की सीरीज़ हमारी अलग आएगी, तो तब हम करेंगे अपनी सफारी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें टाइगर पक्का दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। और बेबू आते ही लेट गए भाई, मेरे हाथ दुख रहे हैं, एक तो बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना। हाँ गाइस 35-36 डिग्री हो रहा है, लेकिन चुभ रही है ऐसे जैसे 40-42 वाली हो, दिल्ली वाली गर्मी हो, और हवा चल रही है, ऐसा नहीं है कि हवा नहीं चल रही है, लेकिन पसीने पसीन हो गए वहाँ जैसे ही पहुँचे। बगोरी है ना, बगोरी वेस्टर्न था कोई, यहाँ से हमारे होटल से 25-30 किलोमीटर दूर था, हमें अप्रोक्स 45 मिनट्स लग गए पहुँचते पहुँचते, लेकिन गर्मी इतनी लगी ना गाइस, क्या बताऊँ आपको, मई का महीना चल रहा है और गर्मी तो वैसे होनी चाहिए लेकिन है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितनी दिल्ली में है उतनी नहीं है, लेकिन महसूस दिल्ली वाली ही हो रही है, तो इसलिए फिर हम वहाँ से आ गए, और हमने फिर पता भी करा जैसे इमी ने आपको बताया, तो हम फिर नेक्स्ट, हाँ अभी इस साल इस सीरीज़ के बाद एक सीरीज़ और आएगी कहीं और की, उसके बाद शायद फिर हम जाएंगे महाराष्ट्र, है ना, फिर वहाँ आपको दिखाएंगे पेंच नेशनल पार्क है ना, तो बस वहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर लेने के लिए, मतलब खाने के लिए और देखते हैं आज बूफे में क्या मिलेगा, एक्साइटेड हूँ देखने के लिए बूफे में क्या होगा, तो लेट्स गो बेबी। जा रहे हैं गाइस चल के, आज यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आए हुए गाइस, पूरा फुल है, ये पूरा पैक है ये रिजॉर्ट, आज सैटरडे है ना गाइस, तो आप कभी भी आओ तो ऑनलाइन बुकिंग लेके ही आना, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग ये लेते भी नहीं है वैसे भी, नहीं लेते, तो आपकी ऑनलाइन बुकिंग ही होगी। देखना पूरी पार्किंग फुल है, पूरी पार्किंग फुल है, पूरा रिजॉर्ट पैक है, सैटरडे मैं दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ, ये देखो वो अपनी बाइक खड़ी है, फुल पैक है ये गाइस, सारी गाड़ियां शाम की हैं, हमारे हरियाणा दिल्ली पंजाब का कोई भी नहीं है, ये रहा एचआर, अरे एचआर छोड़ो मेरे वहां का भाई, थोड़ी जान आई, कोई तो आया, सारी गाड़ियां एएस पे एएस लिखी हुई थी, हाँ, मैं भी टैक्सी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हर बंदा हो सकता है कि दिल्ली हरियाणा पंजाब का भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आती है वैसे, हमने देखे हैं वैसे तो, टैक्सी लेके असम, टैक्सी तो असम की होगी डेफिनेटली, लेकिन पूरा फुल हो रखा है गाइस, फुल पैक हो रखा है सैटरडे की वजह से, सैटरडे संडे में हैवी रश होता है, यार वहां पे डक की आवाज आ रही है, लेकिन आज मुझे दिन में डक दिखी नहीं, कैसे
कैसे बेबी कैसे बताओ? शायद मैं भी रात को ना दिखती हूँ यार, दिन में भी नहीं दिखी ना। मुझे लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे ना साउंड है। हाँ है ना, साउंड आती है। तो चलते हैं, रेस्टोरेंट एकदम अद्भुत खाली है। ये देखो यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ है। रेस्टोरेंट में आ गए हैं गाइस, देखते हैं बुफे में क्या है। बेबू बुफे में क्या है फिर बताते हैं आपको। गाइज एक सीन हो गया। हाँ, आज बुफे नहीं है। आज बुफे नहीं है डिनर में। रीज़न ये है कि इतना हैवी रश होने के बाद भी सबकी जो बुकिंग है वो MMT पे है, मेक माई ट्रिप से हुई हुई है। और उसकी वजह से क्या हुआ ना कि डिनर सबका ना इंक्लूड है। अब वो जो मर्जी मंगवाएं तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। तो सिर्फ हम और ऐसे 2-3 गेस्ट ही होंगे जो डेफिनेटली जिनका इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमारा भी इंक्लूड नहीं है, हमारा भी चार्जेबल है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी मंगवा सकते हैं, बुफे नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम रूम पे मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बुफे में बेनिफिट हो जाता है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जो आपको अच्छा लगता है आप खा सकते हैं। बट ठीक है, हम तो यही सोच के आए थे बुफे लेंगे, पे करेंगे, खा लेंगे। बट बुफे मिला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसलिए फिर हम रूम पे जा रहे हैं। हमने सोचा कि हम मेनू में देख के डिसाइड करके अच्छे से फिर ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आप एक ही चीज मंगवा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो गाइस एक ही मंगाने से क्या होगा ना कि वो ज्यादा आएगी क्वांटिटी में। अब यहाँ बुफे में मल्टीपल ऑप्शन में आप थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये एडवांटेज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, कल का ब्रेकफास्ट तो है बुफे में, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, कोई बात नहीं, चलता है। और क्या, आज अपने आप अपने पसंद की एक सब्जी मंगवा लेंगे। हाँ, और क्या कर सकते हैं, दाल ही ठीक है या कुछ देखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, बताते हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में और वहीं मिलता हूँ आपसे रूम में। मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा, पीछे वो गाना बज रहा था, हे शोना। आज बहुत भीड़ आ गई सही में ना, बहुत ज्यादा रश है। फुल पैक हो रखा है, स्विमिंग पूल में कूदे पड़े थे आज। आज हमें स्विमिंग पूल में जाने वाले थे लेकिन फिर इतने लोग चले गए ना, तो पहले हम भी गाइस सोच रहे थे जाने की, लेकिन मैंने पता क्यों मना किया, किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी ने ये कर दिया तो। आज सारे, क्योंकि आज गर्मी भी थी, 35 डिग्री सेल्सियस था दोपहर में, तो इस वजह से लोग सब पूल में कूद गए। हम देख के आए, देखा तो सब कूदे हुए थे, तो फिर हम नहीं गए, सब खेल रहे थे, मजे खेल रहे थे। और अभी मेरे को रिसेप्शन से, तो गाइस वर्किंग डेज पे आना है, मंडे टू फ्राइडे। तो अभी मेरे को रिसेप्शन से कागज पेन लेना है, क्योंकि मुझे कुछ नोट डाउन करना है। तो मिलता हूँ आपसे रूम में। हे गाइस, हमारा डिनर आ गया है और मैं आपको हमारा डिनर दिखा देती हूँ एक बार। और ये है हमारा डिनर, मटर पनीर, फ्राइड राइस और दही। और गाइस जो आज मैं फ्लावर लेकर आई थी ना बहुत ही सुंदर से, उसको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है। काश ऐसे फ्लावर्स ना मिलने लग जाएं दिल्ली में, मैं कह रही हूँ ऐसे बुके बना बना के सेल करने चाहिए। इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं ना ये, मतलब इट्स लाइक वाव, मतलब मुझे बहुत पसंद आए ये। मेरा मन तो कर रहा था पूरा गुच्छा तोड़ लूँ, पर ठीक है कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, ख़राब हो जाएंगे, कहाँ रखूँगी। अभी तो मैंने पानी में डाले हुए हैं ताकि बेचारे मुरझाएं ना। और बेबू लगे हैं यहाँ पे कुछ काम में, लिख रहे हैं कुछ आगे का जर्नी का, कुछ लिख रहे हैं कि हम क्या क्या विजिट कर सकते हैं, कौन सी अच्छी जगह जा सकते हैं। तो वो सब बेबू अपना काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं और मैं अपना फ़ोन चला रही थी मज़े से। सो गाइस अभी हम अपना अच्छे से डिनर इन्जॉय करेंगे, आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छे से डिनर इन्जॉय करना, हम भी करते हैं, आप भी करिए। सो कल मिलूँगी गाइस न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। और कल हम लोग जा रहे हैं मेघालय, और रूट हमारा यही रहेगा, जिस रूट से गाइस हम लोग आए थे उसी रूट से हम वापस जाएंगे। गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर पहले ही मेघालय के लिए रास्ता कट जाता है। सो कल दिखाऊंगी आपको मॉर्निंग में न्यू फ्रेश वाइब के साथ। सो तब तक के लिए गाइस गुड नाइट, सभी अपना अच्छे से ध्यान रखना, तो मिलती हूँ कल ही। सो बाय कर दो बेबू, बाय बाय, कल मिलेंगे सुबह। हाँ, कल जा रहे हैं मेघालय, तो कल का व्लॉग बहुत अच्छा रहने वाला है हमारा, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल सुबह। बाय गाइस, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।